राधे राधे सभी को, राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल से गाइस देख लिया होगा कि आज इस ब्लॉग में होने वाला क्या है और क्या दिखने वाला है। तो जी हां दोस्तों, बता दूं, मैं अभी रास्ते में हूं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के वहां पे सारा कुछ को मैं एक्सप्लोर करूंगा। जहां मैं 10 साल पहले रहा करता था, वो पुरानी यादें दिखाऊंगा, वो सारे चीज़ को वहां पे मैं रिवील करूंगा पहुंच के, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा। तो बता दूं दोस्तों, मैं अभी रास्ते में हूँ, कुछ ही देर बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप लोग बने रहिएगा, अभी मैं रास्ते में हूँ, अब बहुत जल्द पहुँच। तो गाइज, आप नेचर का भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, नेचर का भी इंजॉय ले सकते हैं। जो रास्ते में आ रहा है, मैं वो भी एक्सप्लोर करते जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का भी नज़ारा देख सके हमारे पुराने घर के साथ साथ। देख सकते हैं आप, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, तमाम सारी चीज़ें इस बीच आ रही है, इस बीच टकरा रही है, इस बीच को एक्सप्लोर मैं कर रहा हूँ। और मुझे भी बहुत पसंद है ये एक्सप्लोर करना। और जैसा कि मुझे पता है, आप सभी जानते हैं, नेचर लवर हूँ, डेंड्रोफाइल हूँ। और फाइनली अब हम बहुत जल्दी पहुँच चुके हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं, मैं रेडी हो गया हूँ ब्लॉग तैयार करने के लिए, आप लोग बने रहिए। गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस ब्लॉग में हम लोग कुछ अलग ब्लॉग की बात करने वाले हैं। दोस्तों बता दूँ, मैं अपना पुराना घर आया हुआ हूँ, मैं जो पहले रहा करता था, आज से करीब 10 साल पहले। फिलहाल अब उस पर भी काम चलेगा, वहाँ भी बनेगा, तो मैं अभी उसी के रास्ते में, उसी के क्रम में हूँ। आप देख सकते हैं, ये अपना फील्ड हुआ यहाँ पे, जहाँ पे गाय भैंस वगैरह चरती है, ये मैदान है, आप देख सकते हैं। और चारों साइड फसल लगी हुई है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं गाइज। तो एक बार मैं रोटेशन करता हूँ 360 डिग्री पे। गाइज, आप लोग को मैं अभी दिखाऊँगा, देख सकते हैं पीछे मक्का भी पूरी तरह से पक चुका है, और ये खेत भी अभी पड़ती है, जो यानी कि खाली कहते हैं हम लोगों में पट्टी को। पीछे आप देख सकते हैं आम का बगीचा है, तो सोचा इसका भी मैं देख लूं कि आप देख सकते हैं ये आम भी अच्छी तरह से खिलखिला रहे हैं। और आप लोग ज़रूर आइएगा हमारे यहाँ इन्हें खाने के लिए जब पक जाएगा। तो ये पीछे आप देख सकते हैं पूरी लगी हुई है बागान, आप यू कैन सी आम ही लगे हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं पीछे। और बहुत ठंडा महसूस हो रहा है मेरे को यहाँ पे, बहुत सारा ऑक्सीजन है यहाँ पे मिल रहा है मेरे को भरपूर तरह से। गाइज, ये मक्का है जो पक चुका है, कुछ दिन में इसकी कटाई होगी। फिलहाल इधर हमारे भाई लोग पानी पटवाए थे इनमें, आप मक्का पूरी तरह से पक चुकी है। अब आप लोग गाँव से जो जो बिलोंग करते होंगे, आपने भुट्टा खाया होगा, भुट्टा मकई का ये जो है, इनको आग में पका के नमक और मिर्ची के साथ खाया जाता है, बिहार में बहुत फेमस है। आप भी अगर कोई मेट्रो सिटी से होंगे तो आप भी खरीद के खाया होगा स्टेशन वगैरह पब्लिक प्लेस पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना मस्त है, आई हो मक्का का साइज भी ठीक है। तो गाइज, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने पुराने घर की तरफ। आप देखेंगे तो मुझे भी बहुत चीज़ें यादें आती हैं यहाँ पे, बहुत सारे हमारे यादें हैं। गाइज, आप देख सकते हैं गेहूँ की कटाई करने के बाद सारे लोग, तो इसमें इनकी जुताई भी हो चुकी है, अब इसमें लोग मूंग बुनेंगे या नहीं तो जूट का खेती या तमाम सारे चीज़ें लगाएंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। और पीछे ये कहा है, केला का बागान है अपना, ये केला का हो गया। और यहाँ ढेर सारे हमने पेड़ भी लगा रखा है पहले से ही, ताकि हम लोग ऑक्सीजनेटेड भी हो सके, फल भी प्राप्त कर। तो हम लोग फाइनली गाइज अपने पुराने घर पर पहुँच चुके हैं, जो आने के बाद मुझे आँख से आंसू आ जाता है। मुझे बहुत सारी यादें आती हैं, जब मैं बचपन में था, इसी आम के पेड़ पे मैं बैठ के आम तोड़ा करता था, आप देख सकते हैं। कई बार मैं तो इस पे से गिरा भी हूँ बरसात के टाइम पे। और ये भी छोटा सा आम है, इसको हम बहुत पसंद करते हैं इस आम को, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा पुराना घर, आज से 10 साल पहले मैं यहाँ पे रहा करता था, अब फिर से इसे हम बनाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पुराना घर, कैसा लगा आपको ये पुरानी गाँव की यादें? यहाँ पे फिर भी मैं रोज आता हूँ, और हमारे पापा लोग भी आते हैं इन्हें देख रेख करने के, आप देख सकते हैं गाइस। एक बार मैं घूम रहा हूँ धीरे से, ये हमारा पुराना घर है जो टूट चुका है, अब मैं इसे फिर से बनाऊंगा। लेकिन पेड़ पौधे यहाँ पे तमाम सारी चीज़ें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सारे मेमोरी मेरे माइंड में फिर से रिपीट होते हैं, जो जो मैं यहाँ पे एक्टिविटी करता था, खाता था बैठ के एक समय। अब तो मैं दूसरे जगह शिफ्ट हो चुका हूँ, इन्हें भी बनाऊँगा बहुत जल्द। अब तो यहाँ पर न तो रोड थे, किसी भी चीज़ के कुछ भी यहाँ नहीं थे, लेकिन अब रोड भी बन चुके हैं दोस्तों, तमाम सारी प्रोग्रेस भी हो गई। देख लीजिए आप कटहल, कटहल अभी तो बड़ा साइज नहीं हुआ है, ये है कटहल का पेड़, जो एक दो कटहल आप देख भी सकते हैं दोस्तों, और बहुत मस्त लगता है। हम लोग यहाँ से सब्जी के लिए भी इन्हें ले जाते हैं, पक जाता है तो वो भी,
और आप देख सकते हैं आगे कुछ यहाँ पे मेरा किचन रूम रहता था, जिसको हम लोग गाँव में भंसा घर कहते हैं। ये था मेरा पूजा के रूम, जहाँ से हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ हम लोग रहा करते थे। इस रूम में बेडरूम वगैरह था, ये तमाम सारी चीज़ें थी। उधर मेरा वाशरूम था जो बंद, उसको टूट चुका है बहुत दिन, 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे चापाकल था, आप देख सकते हैं अभी भी ये दोस्तों पाइप है यहाँ पे। तो तमाम सारी चीज़ें मुझे बहुत याद रहे यहाँ पे। ये प्लास्टर भी किया हुआ था, जहाँ पे ट्यूबवेल्स था, कल था, चापाकल था, जहाँ हम लोग नहाया करते थे। पेड़ पौधे अभी भी हैं, इन्हें तो मैं नहीं काटूँगा, इन्हें बड़ा होने दूँगा। आप देख सकते हैं ये सारे तमाम सारे चीज़ें हैं, यादें हैं, जो आपको मैं आम का पेड़ भी दिखाना चाहूँगा अपना। ये है विशाल आम का पेड़, इसमें तमाम सारे आम आते थे, लेकिन इस साल नहीं आए, पता नहीं क्या हो गया। पानी वगैरह भी मैं दिया करता था, पर पता नहीं क्या हो गया। मैं तो ज़्यादा रहता हूँ, एजुकेशन पर्पज़ से मैं दूर रहता हूँ, तो मैं यहाँ आ नहीं पाता। एक्चुअली पापा लोग आते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत पुराने पुराने चीज़ें हैं। मैं एक बार अंदर घुसूँगा, आप देख सकते हैं ये सारे चीज़ें हैं, संठी वगैरह है, जूट का जो है। यहाँ पे एक भोले बुआ का, यहाँ देख लेते हैं, ये भी है, आप देख सकते हैं भोले बुआ का फ़ोटो भी रखा हुआ। हर हर महादेव, बहुत सुकून मिलता है जब ये सारे चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ये सारे, ये अपना दरवाज़ा हो चुका है दोस्तों, ये हमारा दरवाज़ा है। बहुत 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं अब, लेकिन इनको फिर से मैं रीयूनिट करके रीबिल्डिंग करूँगा। अब यहाँ पर पक्का, जो हम लोग कच्चा मकान से पक्का मैदान ही मकान की ओर शिफ्ट होंगे। अब देख लिए होंगे आप दोस्तों शायद, तमाम सारी चीज़ें हैं जो अभी भी यादें आती हैं। यहाँ पे कुछ गाय भी, लोग यहाँ पे अभी खाली है तो लोग यहाँ पे गाय भी चरने के लिए बांध देते हैं अपनी गाय। जय गौ माता का भी दर्शन आपको करा देता हूँ, इससे पहले एक फूल का दर्शन कराता हूँ। अड़हुल का फूल का पेड़ था, देख रहे हैं आप सूख चुका है, बड़ा अफसोस होता है यार। यहाँ दो गौ माता भी है, एक गाय है उसकी, एक बछड़ा है। यहाँ पे पीछे में देख रहे हैं आप बांधा हुआ। लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ जलावन के पर्पज़ से भी पत्ते वगैरह, सूखे पत्ते ले जाते हैं, जो बेचारे जिनको उज्ज्वला जो गैस है वो नहीं मतलब अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो यहाँ से जलावन वगैरह भी ले जाते हैं। मैं इन्हें मना भी नहीं करता हूँ। तो आप, एक पेड़ और भी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। आप मेरे पीछे बस्तियाँ देख सकते हैं, अब तो बहुत सारे बस्ती हो चुके हैं, पहले बहुत कम लोग थे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मछली का भी पालन करते थे, मछली भी मारते थे, जो अभी नदी में पानी नहीं है दोस्तों। पीछे आप बागान देख सकते हैं, बांस की खेती भी है, आप देख सकते हैं, और तमाम सारी चीज़ें देख सकते हैं। पीछे आपके पूरे मोहल्ला ही हैं, सारे अपने भाई लोग ही हैं, सभी पड़ोसी लोग हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिन बाद आया हूँ एक्चुअली। और जब मैं एकेडमिक सेशन को छोड़ के जब घर आया था किसी कारणवश, तो मैं सोचा क्यों नहीं मैं अपना पुराना घर को एक्सप्लोर करूं। सारे लोग बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं, बड़े बड़े घर को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन मैं पुराना घर को एक्सप्लोर करने को चाहा, क्योंकि इसमें मेरी बहुत, मेरी बचपन यहीं पर बीता, यही गरीबी में बीता, तो उससे दिखाने में मेरे को क्या हर्ज है दोस्तों। क्योंकि आप लोग भी गाँव से अगर हैं तो यू कैन रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसी में सुकून है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बहुत खूब है। अब जो मैंने शिफ्ट हुआ वहाँ पे बहुत सारे नॉइजेज होते हैं, बहुत सारे साउंड पोल्यूशन है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है। अल्दो वहाँ पे सुविधाएं तो बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है, पर सुकून यहीं पे था, यहीं पे है। बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे फिर से शिफ्ट होंगे, हम लोग बिजनेस पर्पज़ से वहाँ पे रहते हैं और इस कारण से मुझे शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन बहुत जल्द हम लोग इस पर बात करेंगे, तैयार करेंगे इन्हें और फिर से रहने की बात करेंगे। और आप देख सकते हैं मुझे तो बहुत सारी यादें आ रही है, मैं क्या एक्सप्लोर करूं आपको, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर से रोटेट करता हूं 360 डिग्री पे, ताकि आपको सारा व्यू आप देख सकते हैं। तो यू कैन सी ऑल द व्यू ऑफ दिस ओल्ड हाउस, ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहा जाता है, पुराना ही सोना होता है। तो यू कैन सी जिस तरह से आप गाना को, पुराने गाना को सुन के आप अभी के युग को तुलना करते हैं, तो उसी तरह मैं इस घर को देख के बड़े बड़े बिल्डिंग से तुलना कर रहा हूँ। तो इसमें ही सुकून है, आप देख सकते हैं, और बहुत जल्द ही हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो गाइज वहाँ जस्ट उस सामने पे मचान हुआ करता, जो लोग बिल्ले से बिलोंग करते होंगे, गाँव से बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ से समझ जाते होंगे, जो बूढ़े लोग का वहाँ संसद भवन कहते हैं उस मचान को, तो उसको इंग्लिश में हम बम्बू पॉल कहते हैं। जो लोग मेट्रो सिटी से देख रहे होंगे वो समझ सकते हैं, बम्बू पॉल जहाँ पे बूढ़े लोग बैठ के न्यूज़ की बातें करते थे, वो संसद भवन हुआ करता था उनका। तो दोस्तों आई होप आपको ये घर पसंद आया होगा, ये पुरानी मुझे आज ताजगी हो गई, ये यादें
ये जो भी करिकुलम मेरा यहाँ पे हुआ करता था, जो बचपन बीता, जो जब मैं नर्सरी टू में पढ़ता था तो मैं यहीं से हॉस्टल जाया करता था। मुझे भी याद है उस साइड में मेरी माँ जब किचन था वहाँ पे तो खस्ता वगैरह बना के देती थी, नाश्ता वगैरह बना के देती थी और पेड़ा वगैरह बना के मुझे देती थी, मैं यहीं से जाता था। लेकिन आज भी ये यादें यहीं पे हैं, मैं जब भी आता हूँ गाँव तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आता हूँ। आप देख सकते हैं अब तो बहुत सारे लोग यहाँ बस चुके हैं और अभी आंटी लोग भी बोली जल्दी आप लोग शिफ्ट होइए। मैं बोला कि बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। गांव के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि हमारा गांव का एक्सप्लोर करना कोई नहीं चाहता है। मुझे पुरानी चीज़ें दिखाने में बहुत मज़ा आता है। मैं गाँव के हर एक छोटे छोटे चीज़ को बचाने का ये मेरा ब्लॉग का मोटो है, तो इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों आप भी दूसरों के साथ साझा कीजिए, कोई भी चीज़ दिखाने में कमी नहीं कीजिए, क्योंकि ये भी हमारा एक हेरिटेज हुआ करता था, एक ताजमहल हुआ करता था एक समय। आज भी इन्हें मैं ताजमहल की तरफ ही देखता हूँ और ताजमहल की तरह ही ट्रीट करता हूँ दोस्तों। तो ब्लॉग कैसा लगा यू कैन ड्रॉप योर रिएक्शन इन कॉमेंट सेक्शन गाइज और सब्सक्राइब फॉर सच मोर इन्फॉर्मेशन। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान और एक लाइक गांव के लिए, हमारा सुकून वाला गांव।